मोदी जी के विकास की जीत है, ये तमाम लोगों की जीत है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार के जितने भी लोकसभा सीट थे उन पर जो नतीजे हैं वे लगभग तमाम सीटों पर सामने आ गए हैं। इस बीच बात करेंगे शिवहर लोकसभा क्षेत्र की। जी हाँ, ये वही लोकसभा क्षेत्र है जो कि हॉट सीट में तब्दील हो चुका था, और इसके साथ ही जहां पर दो महिला प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। एक तरफ जहां एनडीए की ओर से लवली आनंद चुनावी मैदान में थी, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी की ओर से तेज तर्रार नेता कहे जाने वाली ऋतु जायसवाल चुनावी मैदान में देखी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीर सामने आई है आंकड़ों को लेकर के, उससे साफ जाहिर हो चुका है कि शिवहर में लवली आनंद ने जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, बता दें कि लवली आनंद साफ तौर पर जनता जनार्दन की ओर से उन्हें समर्थन मिला है और उन्हें सांसद चुना गया है। जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लवली आनंद ने बढ़त बना ली है। बता दें कि जो आंकड़े सामने आए हैं ऋतु जायसवाल और लवली आनंद के, तो उसमें आंकड़ों का फासला बहुत ही कम देखा जा रहा है। लगभग 29,000 का जो फासला है, लगभग जो 29,000 जो आंकड़े है इसका फासला देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखी गई है। इस बीच पिछले दिनों की गतिविधियों की ओर ध्यान दें तो बात करेंगे सबसे पहले लवली आनंद की, जो कि पूरी तरह से चुनावी प्रचार में फुल ऑन एक्टिव मोड में दिखी। अरे शिवहर की महान जनता की जीत है, ये उन महिलाओं की बेटियों की जीत है, नौजवानों की जीत है। कई तरह की चर्चाएं भी हुई, धूप में पसीना बहाए, लाइन में लग के दिया, मोदी जी के काम की जीत है, नीतीश कुमार जी के विकास की, मोदी जी के विकास की जीत है, ये तमाम लोगों की जीत है। बता दें कि लवली आनंद के पति आनंद मोहन, जो कि बाहुबली नेता कहे जाते हैं, वे लगातार चुनावी प्रचार में सक्रिय दिखे। इसके अलावे लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद और बेटी सुरभि आनंद भी पूरी तरह से फुल ऑन एक्टिव मोड में दिखी। चुनावी प्रचार किया उन्होंने, रोड शो किया, और उसके साथ कई सारी जनसभाएं भी उन्होंने की। तो साफ तौर पे देखा गया कि लवली आनंद की ओर से कई सारी जनसभाएं भी की गई, और जो रुझान सामने आया उसमें साफ ये क्लियर हो चुका है कि लवली आनंद ही आगे रही है और वे ही जीत हासिल करेंगी। इस बीच बात कर ले अगर ऋतु जायसवाल की, तो वे भी फुल ऑन एक्टिव मोड में दिखी। कई बार ऋतु जायसवाल को रोड शो करते हुए, मंच से भाषण देते हुए और आरजेडी की जीत का दावा करते हुए देखा गया। साफ तौर पर ऋतु जायसवाल आरजेडी की तेज तर्रार नेता कही जाती है। और बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने शिवहर की प्रत्याशी ऋतु जायसवाल के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया था, खुले मंच से उन्होंने वोट की अपील की थी। तो साफ तौर पर पिछले दिनों से देखा जा रहा था कि दोनों जो महिला प्रत्याशी हैं, लवली आनंद और ऋतु जायसवाल, तो दोनों के बीच शिवहर में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। और जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं दोनों के, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ऋतु जायसवाल ने कहीं ना कहीं लवली आनंद को जो टफ कॉम्पिटिशन होता है उन्होंने दे दिया है, और जो आंकड़ों का फासला है वो बड़ा ही कम देखने के लिए मिला है। हालांकि बता दें कि एनडीए लगातार बढ़त बनाई हुई है और लगभग चुनाव के जो नतीजे भी है वे सामने आ गए हैं। तो ऐसे में बता दें कि पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।